आप सभी को प्रणाम मेरा। आज बात करने वाला हूँ कि वेगनिज्म क्या है। काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न रहता है ये कि वेगनिज्म क्या है, वो लोग जानते ही नहीं हैं। जो कुछ लोग जानते हैं वो अहंकार बस थोड़ा फूल गए हैं। तो बताना चाहूँगा आपको कि वेगनिज्म क्या है। वेगनिज्म का अर्थ होता है कि पशु क्रूरता से उत्पन्न खाद्य पदार्थों का उपयोग हम नहीं करेंगे। ऐसे पदार्थों का उपयोग हम नहीं करेंगे जिससे हमारे पृथ्वी को कुछ नुकसान हो जाए। तो इसी चैप्टर में मैं बात करूंगा जो हमारे वेगनिज्म के भाई बहन हैं, जो उसका प्रचार दिन रात करते हैं। वो लोग कहते हैं कि आपको दूध नहीं पीना है, आपको जो आसपास के हमारे पशु प्रेमी हैं या जो हमारे पशु हैं उनको आपने कष्ट नहीं पहुँचाना, अगर उनको कष्ट में है तो आपने उनकी मदद करनी है। ये वेगनिज्म का अर्थ है। मेरा ये कहना है इस मामले में कि मैं आपको पूरा पूरा बता दूं कि हाँ, मैं भी वीगन हूँ और वीगनिज्म का मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप प्रेम भाव में वीगनिज्म को प्रकट कीजिए। आप ये नहीं कहिएगा सीधे सीधे कि भाई ये इधर आ, दूध मत पी, ये आप नहीं कह सकते। ये आप कहेंगे ना तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा ही नहीं। आपको पहले प्रेम से जाना है, हाथ जोड़ना है और आपको सामने वाले को बताना है पहले कि आप शाकाहारी बनिए। क्योंकि देखिए, जो मांस खा रहा होगा ना, आप एकदम से जाओगे भम से और बोलोगे उसे कि भाई दूध पीना बंद कर दे, तो वो आपको मतलब भूतिया समझेगा, वो बोलेगा क्या आदमी है यार। लेकिन अगर आप जाते हैं बड़े प्रेम से और अगर वो समझना चाहे, सामने वाला अगर समझना चाह रहा है, तो आप हाथ जोड़ के सामने जाइए उसके और बोलिए उसको कि आप पहले शाकाहारी बनिए। जब वो शाकाहारी बन जाएगा तो उसको बात समझ में आएगी कि क्यों उसको बोला जा रहा है कि आप दूध मत पीजिए। और दूध के इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि थोड़ा मेरा ना, मेरी मान्यता भी थोड़ा इसमें अलग है। भले मैं वीगन जरूर हूँ, वीगनिज्म का सपोर्ट जरूर करता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी मेरी मान्यता जो है वो थोड़ी वीगनिज्म से हटकर है। वो कैसे? क्योंकि मैं सनातन धर्म का व्यक्ति हूँ, भारतवर्ष का एक देवभूमि उत्तराखंड का एक छोटा सा आदमी हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे सनातन धर्म ने गाय को माँ कहा है, तो यदि, देखिए मैं सबके लिए ये नहीं कहूँगा, सबके लिए ये बात नहीं है, ये बात कुछ चंद लोगों के लिए जो गाय को माँ कहते हैं, तो यदि अगर आप उसको माँ का प्रेम देते हैं, अगर आपकी आप उसकी माँ की तरह पूजा करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि चलिए, जब बछड़ा दूध पी ले रहा है, उसका पेट फुल भर गया है, तो चलिए, अगर आप उसे प्रेम भाव से उसके साथ रह रहे हैं, बिल्कुल माँ जैसा आचरण कर रहे हैं, तो आप दूध पी सकते हैं। ये मेरी मान्यता है, बस मेरी मान्यता है ये। बाकी वीगनिज्म वालों की क्या मान्यता है, जो और क्रिएटर्स हैं वीगनिज्म के, उनका क्या मानना है वो जाने। लेकिन जो मेरी मान्यता है वीगनिज्म के प्रति वो यही है। लेकिन मैं कहूँगा कि गाय को माँ मानता कौन है? डेयरी इंडस्ट्री इतने बड़ी संख्या में गायों पर क्रूरता कर रही है। आप बोलते हैं कि अगर मैं मुर्गा खाना बंद कर दूँ तो मुर्गे मुर्गे हो जाएंगे। अरे ये गलत बात है भाई, आप कौवा नहीं खा रहे तो कौवे कौवे हो गए, यदि आप कोई मछली नहीं खा रहे तो मछली मछली हो जाएगी तालाब में। ऐसा नहीं होता है प्रभु जी, आपके ना खाने के लिए, आपके खाने के लिए ज़बरदस्ती मुर्गों को पैदा किया जाता है, और आपके दूध के लिए ना डेयरी इंडस्ट्री बैठ कर वहाँ पर ज़बरदस्ती हाथ डालती है पीछे से और बार बार बछड़ों को पैदा करती है, और बछड़ों को तो फेंक देती है किनारे, या तो सड़क पर फेंक देगी या बूचड़ खाने में भेज देगी। वो बेचारा तो गया ना आपके दूध के चक्कर में, और जो उसकी माँ होती है उसका वो दूध निकालते हैं और आप तक पहुँचाते हैं क्या, अमूल दूध। तो उस अमूल दूध के पीछे इतनी सारी क्रूरता है, और भी सारे कई इंडस्ट्री हैं जिनका नाम अलग अलग है और वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। आपके दूध के पीछे जो क्रूरता हो रही है, कृपया आप जाएं यूट्यूब पर और सर्च मारिए, आपको साफ साफ दिखेगा। मैं कोई ऊपर ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधे सीधे कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पर जाइए और डेडली डायरी करके एक सर्च मारिए या वाई वी करके आप सर्च मारिए, आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। मैं किस लिए कह रहा हूँ कि आप दूध मत पीजिए, मैंने आपके सामने दो अपने जो दो परिप्रेक्ष्य थे वो आपके सामने रखे। एक तो ये कि गाय को माँ कहा गया है, यदि आपको गाय की सेवा माँ की तरह आपने करी है, बिल्कुल आप उसकी पूजा करते हैं और माँ समझ कर उसके साथ रहते हैं, दिन रात उसकी सेवा कर रहे हैं और ज़बरदस्ती उसके पीछे से हाथ नहीं डाल रहे हैं, जो प्रकृति में पहले से होता आया है वही उसी रूप में वो अगर गर्भवती हो रही है, तो मैं मानता हूँ कि बछड़े के दूध पीने के बाद चलिए थोड़ा आप भी कुछ पी लीजिए, मैं इसके लिए मना नहीं करूँगा।
क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। मैं अगर गांव जाता हूँ तो गांव में मेरी माँ अच्छे से उसकी सेवा करती है, बिल्कुल एक घर का सदस्य होती है गाय। ऐसा नहीं कि बांध रखी है चल ये गाय है, लेकिन नहीं, मेरे घर पे ऐसा होता है कि गाय मेरे घर की सदस्य। आपको बता दूं, मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी एक गाय का नाम सुम्बारी करके था, तो वो गाय बाघ ने खा दी। तो जो परिवार में जो फिर वो मैंने रोज देखा ना, जो उनका रोना देखा, वो एक सदस्य की तरह थी। मैं पिताजी को फ़ोन करता हूँ, पिताजी कहते हैं कि यार गाय को बाघ खा गया और अब मैं क्या बताऊँ। मतलब मैंने अपने बाप को कभी रोते नहीं देखा था, लेकिन उस गाय के लिए बाप के आँखों में ना आंसू आ गए थे। तो इस प्रकार अगर सदस्य है गाय माता आपके परिवार की, तो मैं कहूँगा कि चलिए आप दूध पी लीजिए। लेकिन ऐसा तो 1% लोग हैं ना, वो 1% लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आप 99% लोग चाहते हैं और एक पैकेट दूध का ले आते हैं, उसके पीछे जो क्रूरता हो रही है वो आपको दिख नहीं रही है। उसके पीछे की क्रूरता, डेयरी जो है ना, डेयरी बार बार पीछे से हाथ डालती है, चार बच्चे निकालती है, बच्चे फेंक देती है या तो सड़क पे, और या तो वो दे देती है बूचड़ खाने में। और आपको उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गाय का दूध निकाला जाता है ज़बरदस्ती मशीनें लगाकर, मशीनों से उसका खून भी निकल जाए चाहे जान निकल जाए उसकी, तब तक दूध निकालते रहते हैं। और एक समय के बाद जब गाय दूध देना बंद करती है तो क्या करते हैं, उस गाय को भी या तो सड़क पर भेज दिया जाता है या गोचर खाने में चली जाती है। तो बस मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को समझें आप, और मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं और सभी वीगनिज्म वाले भाई बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि अपने अहंकार को बिल्कुल छाती चौड़ा करके आप नहीं बता सकते किसी को, वो आपकी बात नहीं समझेगा। अगर आप प्रेम से उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आपको कुछ बात समझा रहा हूं कि वेगनिज्म और दूध इन सब और पशु क्रूरता इन सब के बारे में आपको समझा रहा हूँ, तो आप हाथ जोड़ के समझाइए, अपने अहंकार का कुप्पा मत बनाइए। और बिल्कुल सीना चौड़ा करके आप ये नहीं कह सकते अरे भाई दूध मत पी, नहीं सुनेगा कोई। मैंने जितने भी वेगनिज्म को देखा है, जितने भी लोग आते हैं, वो बड़े आपको तेजी से और अहंकार से बोलेंगे मैंने बात को समझा तू भी समझ। ऐसा नहीं होता है प्रभु जी, सामने वाला आपकी बात क्यों समझे। अगर आप प्रेम भाव से जाते हैं, आप भाईचारे के तौर पर जाते हैं, तो वो कोशिश भी करेगा कि वो बात को समझे। बस यहीं पर बात समाप्त करता हूँ।